गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया हमारे वीडियो डिस्कस कर रही। सनलाइट के सामने वीडियो कितनी मस्त आती है। सो गाइस, अभी मैं उठाऊँ और उठते ही जो मेरे को सबसे पहली चीज़ रियलाइज़ हुई, आदमी क्या करता है उठते ही ब्रश व्रश करता है। सबसे पहली चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि ब्रश तो लाया नहीं। और हर बार मेरे साथ ट्रैवल में यही होता है कि मैं ब्रश कभी हर बार भूल जाता हूँ। हर एक चीज़ रख लूँगा और ब्रश हर बार भूल जाऊँगा। अभी दांत उंगलियों से घिस के आ रहा हूँ पूरे पूरे। फिर मैंने ब्रश मंगवाया तो अब ब्रश कल से स्टार्ट करेंगे। आज उंगलियों का मजा ले लिया हमने। तो गाइस, आज दशहरा है और हैप्पी दशहरा आप सभी को। दशहरा की मुबारकबाद सभी को। अपने आप भाई जो जो पूजन करना है, हम तो पूजा में जाएंगे अभी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और पूजा के लिए रेडी हो रहा हूँ। कल जो कुर्ता लेके आया था वो कुर्ता मैं देखता हूँ अभी पहनूंगा। और मुझे लग रहा है वो बड़ा कुर्ता बड़ा है। वो ऑफकोर्स बड़ा क्योंकि हम जितने भी, एक जो प्रॉब्लम मैंने आपको कल बताई थी ना कि बॉडी बिल्डर्स को जो प्रॉब्लम होती है, लाइक कोई भी फिटनेस वाले बंदे को जो प्रॉब्लम होती है जिसकी थोड़ी सी बैक वैक में लैट्स आ जाती हैं, उसको कुर्ता यहाँ से नहीं फंसता है और बाकी सब जगह उसे ढीला हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो इस बार तो पहनने तक अगली बार इसे फिक्स करा लेंगे अपने, इसमें सिलाई विलाई लगा के अपने आपको फिट करवा लेंगे। तो लाइक हरियाणा में तो दशहरा पूजन इतना कुछ खास होता नहीं है, बट यूपी में दशहरा पूजन बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लाइक पूरा हवन ववन होता है। हमारे जैसे जो मेरे पापा का कल्चर है हरियाणा का, उसमें तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मतलब लाइक नॉर्मली पूजा वूजा कर ली तो वो हो गया, बट यूपी में लाइक प्रॉपरली हवन होता है, पूरी फैमिली बैठती है, खाना पीना होता है ढंग से, क्योंकि बट थोड़ा सा है यूपी में ऐसा इस चीज़ का सिस्टम। तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो तीन कल्चर पूरे के पूरे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक यूपी का कल्चर, एक हरियाणा का कल्चर और एक दिल्ली का कल्चर। दिल्ली का एक अलग ही कल्चर है, वो दोनों हरियाणा और यूपी मिक्स है। वहाँ पे यूपी के भी बंदे रह रहे हैं, हरियाणा के भी बंदे रह रहे हैं, तो वो अलग ही कल्चर बन जा रहा है। तो ये ऐसे कल्चर में अभी मैं वो कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मेरे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड लाइक एक्सपीरियंस समथिंग मोर। सो गाइस, देख रहे हो रेडी हो गया हूँ। बस थोड़ा सा बड़ा है कुर्ता क्योंकि मेरे साइज का मिल नहीं रहा था कल जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई थी, बट वैसे तो मैं पूरा सेक्सी रेडी हो गया। फेस्टिव सीजन वाली वाइब्स आ रही। बहुत टाइम बाद मैंने दशहरा पे कुर्ता पहना, मतलब लाइक पहली बार ही पहना होगा दशहरा पे कुर्ता। दिवाली में जो तब भी पहन लिया करता था, बट लाइक मज़ा आ गया। तो चल रहा है, बस पूजा के लिए चल रहे लाइट में डालो, कपूर डालो। अब सबसे मुश्किल पार्ट आ चुका है, इसमें हमें लिखना होता है और हिंदी मजबूत होती नहीं किसी की, तो अब पता लगेगा कौन सही कितना लिख रहेगा। नकल मार लेना, अनपढ़ तो मारनी आती है ना। सबकी हालत इसी पार्ट में टाइट होती है कि हिंदी लिखने आती है। अरे तुम्हें क्या चिंता करनी, मास्टर जी के पीछे बैठे हो, नकल मान लेना, क्या दिक्कत है। अबे यार बिल्कुल सही है, हमारे खानदान में कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कुछ ना कुछ है ही है। क्या दिक्कत है, और क्या श्रद्धा की कोई लैंग्वेज थोड़ा ही है। किसी भी लैंग्वेज में श्रद्धा करो। बात तो तूने ज्ञान की कही। चलो श्री सत या सद सद सद
चलो भाई मामा के भी छूते। अरे मामा के पैर छूते भाई। कोई नहीं है, भाईचारे में चलता है। हर चीज एक्सेप्टेड है। अरे कौन सा वाला नंबर है? पेट लग रहा है यार, मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूं, मौसी तो बाद में हूं। अरे जी लेडीजों को भी खिला दो, तो पहले घर से बाहर जाता है परंपरा के हिसाब से, फिर जब कमा के वो बोलती कि मत जाओ क्योंकि घर में बहुत है। जैसे घर में ही बहुत है, बोलो भैया घर में बहुत है, बाहर धूप हो गया, जाओ तो सही, पहले कहीं गए। चलो हो गया, घर में बहुत है, चलो पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। तो गए नहीं, ले तो आप तो रिटायर हो गए ना। रिटायर ठीक है, घर में बहुत कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, रिटायर होने की हो गया।